जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए उस पर काम कायम है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कल्पना सैनी ने आगे कहा कि प्रयागराज में अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन चुका था, अब अतीक और अशरफ की नहीं उसकी आने वाली पीढ़ी भी अपराध जगत से जुड़ी हुई है और जिसको लेकर योगी सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई है। अपराधी कोई भी हो और किसी भी प्रकार का हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और साथ ही अतीक की हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अतीक एक माफिया था जिसे की कानून प्रक्रिया के तहत सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन यदि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कर दी जाती है तो कानून व्यवस्था के मुंह पर ये खुला तमाचा लगता है जिससे न्याय व्यवस्था और कानून प्रक्रिया पर से लोगों का विश्वास उठता है। देखिए, प्रयागराज के आतंक का पर्याय तो अतीक था और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है, हर तरह का न्याय होगा। वो माफिया था इस पर कोई दो राय नहीं है, उसको कानून सजा दे, कानून उसके लिए काम करे, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जिसने डायरेक्शन रहे हों जिस व्यक्ति के लिए कि भाई इसकी सुरक्षा की जाए और इतनी पुलिस होने के बाद भी कोई भी आदमी अगर पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर देता है तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। खबर हरिद्वार से है जहां पर हर की पौड़ी पर गंगा सप्तमी के मौके पर श्रद्धालु सुबह से मां गंगा में डुबकी लगाकर पूर्णि का लाभ ले रहे हैं और मां गंगा को खुश करने की कोशिश में हैं। आपको बता दें कि बैसाख मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पावन पर्व मनाया जाता है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा के पूजन से अनजाने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही गंगा माँ के पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं जिससे जीवन में खुशी आती है। कहते हैं कि गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर गंगा स्नान अवश्य करें, माँ गंगा निरोगी काया आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल से भरी कटोरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर माँ गंगा का स्मरण किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। तो माँ गंगा के पूजन से पाप से मुक्ति मिलती है और कहते हैं कि पतित पावनी गंगा, यानी गंगा जो है वो पाप को धुलने वाली है। गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी पर अगर बात किया जाए तो भागीरथी लेकर आए थे माँ गंगा को। भागीरथी के लिए ये कहा जाता है कि जब उनके पूर्वजों ने जब पाप बहुत ज़्यादा किया था उस पाप को पुण्य लोक में बदलने के लिए पहले कठिन तपस्या की गई भागीरथी के तरफ से, फिर इसके बाद माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। तो राजा सगर के 8000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथी ने बताया जा रहा है कि ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि माता गंगा को नीचे लेकर आए थे।